तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिर्च के फसल में थ्रिप्स का प्रकोप और उसको बिल्कुल सरल तरीके से कैसे हम लोग इलाज करेंगे, यानी कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे और उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा आज हम इस वीडियो में थ्रिप्स के बारे में पूरे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक्चुअली थ्रिप्स क्या होता है, थ्रिप्स कितने प्रकार की होता है, और उसके अलावा थ्रिप्स कब और कैसे मिर्च के फसल में फैलता है, और उसके अलावा थ्रिप्स फैलने से क्या क्या नुकसान पहुंचाता है मिर्च के फसल में, और उसके अलावा कौन कौन सी दवा को हम लोग छिड़काव करेंगे ताकि हमारे फसल में थ्रिप्स का प्रकोप ना हुए, और थ्रिप्स का प्रकोप होने के बाद भी अगर हम लोग कौन सी दवा है जो कि हम लोग उसको छिड़काव करेंगे और वो आसानी से कंट्रोल हो जाए, तो पूरी डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में मिर्च के फसल में थ्रिप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्रिप्स क्या है और थ्रिप्स कितने प्रकार की होता है। तो थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट है जो कि मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, और इसका 5000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं जो कि अलग अलग फसल पर आप लोगों को दिखाई देता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च के फसल में थ्रिप्स कब और कैसे फैलता है। तो दोस्तों जब आपका पौधा शुरू में कमल पत्तियां निकलता है और उस समय सबसे ज्यादा थ्रिप्स का प्रकोप होता है, क्योंकि उस समय थ्रिप्स के लिए पत्ते का रस चूसने में काफी अच्छा समय होता है। ऐसा नहीं कि थ्रिप्स सिर्फ पत्ते का ही रस चूसता है, बल्कि वो पौधे का विभिन्न भाग से रस चूसता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं थ्रिप्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे फसल में थ्रिप्स का ही प्रकोप हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि मिर्च के पौधे का जो पत्ता है वो आप लोगों को ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है कि नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों का पौधा का पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है, लेकिन वो ऊपर की तरफ ही क्यों मरता है। तो देखिए, जब थ्रिप्स आप लोगों का पत्ते में रस चूसता है तो वो धीरे धीरे पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, जिस कारण से आप लोगों को पता चल जाता है कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप ही हुआ है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं थ्रिप्स का प्रकोप होने पर मिर्च के फसल में क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले पत्ते का रस चूसने में पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, जिसके कारण पत्ता खाना नहीं बना पाता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर पौधा बढ़वार बिल्कुल रुक जाता है, कुछ इस प्रकार से। उसके अलावा फूल में रस चूसने पर फूल सूख कर नीचे गिर जाता है, तो इस प्रकार की नुकसान पहुंचाता है मिर्च के पौधे में थ्रिप्स का प्रकोप होने पर। आप दोस्तों बात कर लेते हैं थ्रिप्स का फसल में हम लोग कैसे ना लगने दे, और उसके अलावा अगर एक बार लग गया तो उसको भी हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे और उसको आसानी से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव की अगर बात किया जाए, यानी थ्रिप्स मिर्च के फसल में अगर प्रकोप नहीं हुआ है तो उसको हम लोग कैसे नहीं लगने देंगे, तो उसके लिए आप लोगों को जो दवा हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं उसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए। जो कि सबसे पहला दवा आता है प्रोफेनोपॉस 50% ईसी, जो कि आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करना है, और उससे आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, थ्रिप्स का प्रकोप बिल्कुल नहीं होने देगा। उसके अलावा इमीडिया क्लोरोपीड 70% WG 3 g प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, उससे भी आप लोगों को थ्रिप्स का प्रकोप होने नहीं देता है। और उसके अलावा फिप्रोनिल 5% SC को आप लोग ले सकते हैं, जिसको आप लोग 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिससे कि आपका फसल में थ्रिप्स का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब दवा को आप लोगों को मिर्च के फसल में घुमा फिरा के छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि आपके फसल में मिर्च में जो थ्रिप्स का प्रकोप होता है वो ना हुए। और बाई चांस अगर आप लोगों का थ्रिप्स का प्रकोप हो गया, अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 दवा आप लोगों को स्पेशली बता रहे हैं जो कि थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी शानदार रिजल्ट हमको मिला है। तो उसी 3 दवा को हम यहाँ पर प्रिफर कर रहे हैं। सबसे पहला जो दवा आती है इमिडा क्लोरोपीड 40% और उसके साथ साथ फिप्रोनिल 40% एक साथ में कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि आप लोगों को गार्डा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड के ऊपर नाम पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को लेसेंटा नाम पर मिल जाएगा बायर का, इसको आप लोगों को 10 g प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों दूसरा जो दवा आता है स्पाइनोट्रम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में, जो कि आप लोगों को टाटा कंपनी का समिट नाम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को डेलीगेट नाम पे भी मिल जाएगा, और उसको भी आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर काफ़ी शानदार तरीके से थ्रिप्स का प्रकोप को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है। और ये भी दवा अगर आप लोगों को बाजार में नहीं मिलता है तो आप लोगों को डाइफेन्थ्यूरोन 50% WOP, जो कि आप लोगों को बाजार में पेगासस या फिर आदामा कंपनी का एगास नाम पे मिल जाएगा, उसको आप लोगों को 25 g प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिससे कि आप लोगों का थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो ये था दोस्तों मिर्च के फसल में थ्रिप्स के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।